हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू सुरेंद्र शेटी सोलूशन में आपका स्वागत है दोस्तों बात कर रहे हैं हम नॉलेज एड क्यूरिकुलम बी एड सेकेंड ईयर और जिसमें हम यूनिट फोर कर रहे हैं तीन वीडियो हम पहले डाउनलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे आशा आप लोगों ने देखी होगी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों और इस वीडियो के अंदर हम जो यूनिट फोर कर रहे हैं इसमें क्यूरिकुलम डिज़ाइन मॉडल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है क्यूरिकुलम डिज़ाइन इज क्यूरिकुलम डिज़ाइन है क्या सिस्टेमेटिक uh, प्रोसेस है सीरीज ऑफ स्टेप है अरेंजमेंट ऑफ क्यूरिकुलम है तीनों पॉइंट क्या है क्लियर हैं तो ऑल ऑफ द अबो आंसर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू मोड मैथड्स आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग इज कार्ड जब दो मैथडो को यूज करके हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं कंबाइंड मैथड बोलते हैं मिक्सड मैथड बोलते हैं या एक्लेटिक मैथड बोलते हैं या नॉन ऑफ दीज होगा तो राइट right आंसर जो बनेगा आपका वो एक्लेटिक मेथड बनेगा जब दो मेथडों को यूज करके टीचर पढ़ाना शुरू करता है ठीक है ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव मॉडल ऑब्जेक्टिव मॉडल कौन सा है ब्रोड एम है ठीक है ना टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसने अचीव करने अपने और कम्युनिकेटिंग द दरिकुल टू द टीचर तो ये तीनों पॉइंट क्या है अबाउट ऑब्जेक्टिव मॉडल है तो ऑल ऑफ द अबो राइट आंसर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडल इज लीनियर लीनियर फॉर्म में कौन सा है भाई ठीक है ना जैसे वन टू थ्री फोर ऐसे सीक्वेंस में हो गया व्हीलर्स मॉडल कैरेज मॉडल या टाइलर मॉडल द प्रोसेस मॉडल तो कौन सा है तो टाइलर मॉडल जो है क्या है एक लीनियर फॉर्म में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइलर मॉडल यहाँ देख लेते हैं लीनियर फॉर्म में बताया था आपको यहाँ देखो पहले ऑब्जेक्टिव आएगा ठीक है ना तो ऑब्जेक्टिव के बाद सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस आएगा फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा और उसके बाद इवेल्यूशन आएगा तो एक किसम है लीनियर इक्वेशन बन जाती है वन टू थ्री फोर ऐसे पूरा का पूरा सीक्वेंस बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडल ऑफ डेवलप्ड इज टर्म एज साइक्लिक मॉडल तो साइक्लिक मॉडल कौन सा है भाई जो साइक्लिक मॉडल है वो है व्हीलर मॉडल है तो व्हील ऐसे याद रख लेंगे भाई ये तो आसान है याद रखना ठीक है ना कैसे साइकिल का व्ही मतलब व्हील मैंने पहिया होता है साइकिल गोल गोल है ना तो व्हीलर मॉडल कौन सा होगा साइक्लिक मॉडल होगा याद रहेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मॉडल ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट द इवोल्यूशन इज नॉट टर्मिनल तो इवोल्यूशन नॉट टर्मिनल जिसमें जो है ये इवोल्यूशन ख़त्म ही नहीं होता है ठीक है ना इसका तो वो कौन सा है व्हीलर मॉडल जिसमें प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है ठीक है तो वो व्हीलर मॉडल है जिसमें इवोल्यूशन नॉट टर्मिनल है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीलर मॉडल देख लेते हैं यहाँ पे कैसे यहाँ सबसे पहले प्रोसेस में क्या आया एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आए फर्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप पे क्या है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस रहा और थर्ड पे क्या रहा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और फोर्थ पे क्या रहा ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस और फिफ्थ पे क्या रहा इवोल्यूशन तो एक पूरा साइकिल प्रोसेस है है मॉडल मॉडल के अंदर ध्यान रहेगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फीचर ऑफ बोथ टाइलर मॉडल एंड व्हीलर मॉडल वो मॉडल कौन सा है जिसमें टाइलर और व्हीलर मॉडल के फीचर हैं ये तो इनके बाद में जो मॉडल आया होगा उसमें होंगे ना तो ऑब्जर्वशन ऑब्जेक्टिव मॉडल है प्रोसेस मॉडल है या बोहर मॉडल है या कैरियर मॉडल है तो कैरियर मॉडल में आएगा क्या आएगा, आएगा आपका जिसमें दोनों के दोनों मॉडल देखने को मिलते हैं ठीक है ना तो टेलर व्हीलर और कैरियर ठीक तो, है तो नेक्स्ट मॉडल है डोमेन ऑफ कैर मॉडल तो डोम ऑफ कैरियर है फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव एंड नॉलेज इसके डोमेन क्या है इसके चार डोमेन हमें आपको पता होगा इस मॉडल के तो पहला है ऑब्जेक्टिव दूसरा है नॉलेज तीसरा है स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस और चौथा है ईवेल्यूशन तो ये चारों क्या हैं इसके डोमेन हैं तो ऑल ऑफ दुक राइट right आंसर बनेगा ठीक है ना तो दोबारा देख लेते हैं डोमेन चार डोमेन है इस मॉडल के तो पहला ऑब्जेक्टिव नॉलेज स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस इवोल्यूशन तो ये कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आर डिवाइडेड इन हाउ मैनी ग्रुप्स इन जो कैर मॉडल है इसमें कितने ग्रुप्स डिवा, में डिवाइड किया गया थ्री ग्रुप्स में किया गया कितने ग्रुप्स में थ्री ग्रुप्स में किया गया है वो कैसे पता चलेगा तो यहाँ से याद रखते हैं एक ट्रिक भी बना लेंगे आप देखो यहाँ पर थ्री वर्ड है इसके अंदर है ना के ई आर के ई आर आर फिर वो डबल है ठीक है ना तो के ई आर तो थ्री हो रहे हैं कौन कौन से कोग्नेटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर ठीक है ना तो ये थ्री ग्रुप्स बनेंगे किसके अंदर कैर मॉडल के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसी को डिजाइन किया गया है किस तरीके से यहाँ देखो पहले कौन है ऑब्जेक्टिव है फिर कौन है नॉलेज और फिर कौन है इवेल्यूशन है और फिर कौन है स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस और फिर यहाँ पर ये आपस में क्या है यहाँ से सीधा नॉलेज से हम इवोल्यूशन कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिव से सीधा स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस से इवोल्यूशन कर सकते हैं यहाँ से फिर नॉलेज तो यहाँ हर स्टेप पे इवोल्यूशन कर सकते हैं हम एवरी स्टेप पे ठीक है तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो है नाइस डे